राजधानी रायपुर में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मरीजों के कारण बिना लक्षण वाले कोरोना पीड़ितों को होम आइसोलेशन में रखने की प्रक्रिया जारी है। यहाँ 6,037 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इन मरीजों के स्वास्थ्य पर ऑनलाइन नजर रखी जा रही है और साथ ही फोन पर भी संबंधित मरीजों का हालचाल जाना जा रहा है। होम आइसोलेशन के नोडल अधिकारी ने बताया है कि यहाँ टू वे कम्युनिकेशन से काम हो रहा है। पूरी प्रक्रिया की जानकारी के लिए नोडल अधिकारी विनीत नंदनवार से बातचीत की हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने। मैडम, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, अगर कोई मरीज को पता चलता है कि पॉजिटिव है और वो होम आइसोलेशन में रहना चाहता है, तो क्या प्रक्रिया है उनके लिए? सबसे पहले उसके पास एक कॉल जाता है, उस कॉल में उससे पूछा जाता है कि उनको लक्षण है क्या कोविड के या फिर लक्षण नहीं है। अगर उसको लक्षण नहीं है, वो लक्षण रहित पेशेंट है, और अगर उसके घर में हवादार कमरा है, उसके घर में अलग से लेड बाथ है, और अगर वो स्वस्थ है ना, तब इस स्थिति में हम लोग उसको होम आइसोलेशन के लिए वो अप्लाई करता है। अप्लाई करने के लिए उसके पास ऑटोमेटिकली एक लिंक जाता है, ये लिंक टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उस तक जाता है होम आइसोलेशन का। उसके बाद एक ये वेब लिंक होता है, साधारण तरीके से इसको भरा जाता है। भरने के बाद जोन से ये अप्रूव होता है कि वो रहने के लायक है कि नहीं, फिर उसको एक डॉक्टर अलॉट किया जाता है। ये अगर ये प्रक्रिया होने के बाद कोई फॉर्म भरने की प्रक्रिया आती है, तो वो जो वेबसाइट बताए हैं, उस वेबसाइट में मरीजों को क्या क्या डिटेल देना प्राथमिकता होता है? उसमें मरीजों को अपना नाम, उम्र, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है उसमें मोबाइल नंबर आप बिल्कुल सही लिखें, ये मेरी अपील है। दूसरा, उसमें अपना पता पूर्ण लिखें, पूर्ण पता लिखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इमरजेंसी के सिचुएशन में अगर हमें एम्बुलेंस भेजना हो, कुछ कॉन्टेक्ट करना हो, तो मोबाइल नंबर और पता यह पूरा होना बहुत जरूरी है। कितने विभाग में बांटा गया है ये जो आइसोलेशन सेंटर है, कंट्रोल रूम है, ये 24/7 ये तीन शिफ्ट में काम करता है। तीनों शिफ्ट में डॉक्टर्स की ड्यूटी रहती है। ये तीन इमरजेंसी नंबर है हमारे पास, वो तीन इमरजेंसी नंबर जो है वो डॉक्टर्स जो है वो उसको अटेंड करते हैं। मरीजों को अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है उसको रिजॉल्व किया जाता है यहाँ। तो इस तरह कम में दम दिखाने का जो काम चल रहा है, जो हमारे पास सीमित साधन में अच्छे रिजल्ट देने के लिए, चूंकि हॉस्पिटल फुल है, हाउसफुल चल रहे हैं, तो घर में रहकर कैसे जो कम लक्षण वाले मरीज हैं उसको ठीक करें, इसके लिए होम आइसोलेशन का जो प्रक्रिया है चालू हुआ है और ये कहीं ना कहीं सक्सेस दिख रहा है। आज अगर हम बात करें तो 21,000 से ज्यादा मरीजों के लिए दवा और ये किट वितरण की गई है और लगातार इसके लिए प्रयास जारी है। अगर आप घर में रहकर हॉस्पिटल से बचना चाहते हैं और अगर आप में लक्षण नहीं है, तो आप होम आइसोलेशन की पद्धति को अपना सकते हैं। कैमरामैन छोरा राम के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।